नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल में आप किस तरीके से मैक्रो बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या क्या रिक्वायरमेंट होती है मैक्रो बनाने की, क्या फायदा होता है मैक्रो बनाने से, या एक वर्कबुक में बनाए गए मैक्रो को दूसरी वर्कबुक में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। किसी भी रिपीटिव जॉब को आसानी से परफॉर्म करने के लिए एक्सेल में मैक्रो बनाए जाते हैं, जिससे वो टास्क आप आसानी से या कम टाइम में कंप्लीट कर सकें। कुछ भी रिपीटिव जॉब हो सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि कुछ हमको फॉर्मेटिंग रिपीटिव करनी पड़ती है। फॉर्मेटिंग जैसा कि ये शीट है हमारे पास में, इस शीट की फॉर्मेटिंग हमें बार बार करनी होती है। तो इसकी फॉर्मेटिंग हम सिंपल वे में करके देखते हैं हमको क्या क्या स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट हमको सेम चाहिए होता है, कंप्लीट फॉन्ट सेम करना होता है, या सभी कॉलम्स को आपको ऑटोफिट करना होता है, और कंप्लीट टेक्स्ट का कलर भी आपको सेम करना होता है। हम एग्जांपल के लिए 4-5 स्टेप्स ही ले लेते हैं कि ये स्टेप्स हमको बार बार परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो ये काम हम मैक्रो के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मेटिंग अगर आप मैक्रो के थ्रू करते हैं तो एक क्लिक पे या एक शॉर्टकट की अप्लाई करते ही आप वो मैक्रो यहाँ पे रन कर सकते हैं, जिससे इतने स्टेप आपको फॉलो नहीं करने पड़े। तो सेम शीट मेरे पास में शीट 2 पे है, शीट 2 पे आ जाते हैं। इस शीट की फॉर्मेटिंग के लिए हम मैक्रो बनाते हैं। मैक्रो बनाने के लिए आप व्यू में आएंगे, मैक्रो, और मैक्रो में क्लिक करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ पे हम मैक्रो का नाम दे देते हैं फॉर्मेटिंग, और शॉर्टकट की इसकी हम दे देते हैं कंट्रोल क्यू। ओके, अब मैक्रो हमारा रिकॉर्डिंग फॉर्म में है। जो जो स्टेप्स हमको बार बार फॉलो करने होते हैं वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे हमने पहले किया था, सेम वही फॉर्मेटिंग हम एक बार वापस से अप्लाई करते हैं। सभी कॉलम्स को हमने ऑटोफिट किया था, कंप्लीट जो कंटेंट थे हमारे इनका हमने फॉन्ट सेम किया था, फॉन्ट कलर भी हमने सेम किया था। ये कुछ टेक्स्ट है जिसका कलर सेम नहीं है तो हमने इसका कलर भी सेम किया था, यहां पे भी कर दिया ऑटोमेटिक। और जब आप जितने भी स्टेप्स आपको रिकॉर्ड करने हैं मैक्रो में वो रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद में वापस से व्यू में आएंगे और यहां पे करेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब ये मैक्रो हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम आते हैं थर्ड शीट पे। थर्ड शीट पे वापस हमारे पास में वही शीट है विदाउट फॉर्मेटिंग। तो इसकी फॉर्मेटिंग हम मैक्रो के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम सिंपली प्रेस करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्यू, और एक क्लिक पे हमारे पास में कंप्लीट फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक शॉर्टकट की अप्लाई करते ही कंप्लीट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसमें आपके कितने भी स्टेप्स हो सकते हैं, जो भी स्टेप रिपीटिव करने पड़ते हैं उनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्रो में, और इस तरीके से आप मैक्रो के थ्रू अपना काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैक्रो वर्कबुक के साथ ऑटोमेटिक सेव नहीं होता है, तो इसे सेव करने के लिए जिस तरीके से आप सिंपल फाइल सेव करते हैं, यहां पे नाम दे दिया सपोज हमने इसमें सैंपल, और अगर आप सेव करेंगे तो ये विद मैक्रो सेव नहीं होगा। यहां पे मैसेज आएगा आपके पास में, डू यू कंटिन्यू सेविंग एज ए मैक्रो फ्री वर्कबुक, क्लिक यस। तो हमको मैक्रो के साथ में इसको सेव करना है, तो हम इसको नो करेंगे, और यहां पे हमको इस वर्कबुक का टाइप चेंज करना होगा। टाइप चेंज करने के लिए आप यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे हमको मिलेगा एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, इस पे आप क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यही मैक्रो आप दूसरी वर्कबुक में भी यूज कर सकें, तो उसके लिए केवल एक ट्रिक यूज करनी होगी आपको। हम इस शीट को कॉपी कर लेते हैं और एक नई वर्कबुक ओपन करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं।
और पुरानी वाली जो हमारी मैक्रो की वर्कबुक है उसको हम क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम उस मैक्रो को रन करने की कोशिश करेंगे तो वो मैक्रो यहाँ पे रन नहीं होगा। तो उस मैक्रो को रन करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है कि जिस वर्कबुक में वो मैक्रो बना हुआ है उस वर्कबुक को हम ओपन कर लें। तो हम उस वर्कबुक को ओपन कर लेते हैं, सैंपल वर्कबुक हमारी ओपन हो गई है। यहाँ पे हम यूज करते हैं मैक्रो को, कंट्रोल प्लस क्यू करते हैं तो मैक्रो रन हो जाता है और हमारी कंप्लीट फॉर्मेटिंग हो जाती है। इसी तरीके से हम वर्कबुक टू लेते हैं, वर्कबुक टू ली हमने, यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग हमको अप्लाई करनी है तो हम वापस से कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे तो यहाँ पे भी हमारी वही सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी एक वर्कबुक में बना हुआ मैक्रो को दूसरी वर्कबुक में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम वर्कबुक में चेक करेंगे व्यू मैक्रो पे तो ये आपको शो करेगा, सैंपल नाम से हमने हमारी वर्कबुक सेव करी थी और उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे ये यूज कर रहा है सैंपल और ये फॉर्मेटिंग। फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपने सीखा कि आप किस तरीके से एक्सेल में मैक्रो बना सकते हैं या किस तरीके से आप किसी वर्कबुक के मैक्रो को आपकी करंट वर्कबुक में यूज कर सकते हैं या क्या रिक्वायरमेंट होती है मैक्रो बनाने की एक्सेल में। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।